गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी आज 19 तारीख है, 19 जनवरी, और आप देख सकते हैं मैं किसी एक होटल के बाहर बैठा हूँ लंच करने के लिए। काफ़ी दूर घूम घूम के आया यहाँ पे लास्ट में लंच करने के लिए। परोठे खाएंगे और कुछ मिठाई उठाई, मिठाई तो ऐसे नहीं खाता, लेकिन ये काफ़ी दिनों का बाद, सालों बाद खाना हूँ, इसलिए खाना पड़ रहा है, खाएंगे। देखिए क्या हो रहा है, लगे रहिए मेरे साथ। आपने एक छोटा सा शॉर्ट देखा अभी, पराठा बन कैसे बनाते हैं, पूरा तो नहीं दिखा हुआ है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इस जगह का नाम, हम जहाँ पे आए तो उसका नाम है पराठा पट्टी, काफ़ी मशहूर है, पूरे सिलचर में मशहूर है पराठों के लिए। ये देखिए हमारे साथ कौन है, सब भैया समोसे खा रहे हैं चटनी के साथ, स्वादिष्ट होते हैं। तो भैया और हम एक साथ करेंगे, एक ही फ्लोर पे काम कर रहे हैं। यहाँ से याद रखेगा, अभी मैं अभी मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहेंगे, दीपक राजवंशी लगे रहे मेरे साथ। परोठे तो आ गए, आपको खाने के बाद मिलते हैं। ये हम पराठा पट्टी से निकलते हुए, सामने ही देखिए पीछे मेरा ये कोर्ट है, कोर्ट के उस तरफ इलेक्शन ऑफिस भी है और डीसी का भी ऑफिस है, मैं डीसी का भी आपको दिखाता हूँ। अभी निकल पड़ रहे हैं हम लोग के ड्यूटी में, लंच टाइम खत्म, लंच टाइम करने के बाद भी थोड़ा टाइम मिला हम लोग को एंजॉयमेंट करते हुए, हम लोग का टाइम चला गया था। ये रहा हमारा डीसी का ऑफिस, आगे पेड़ तो बढ़ गया, कुछ खाना नहीं पड़ेगा, पेट भरने के बाद हजम होने का टाइम भी नहीं मिलता है। काम के लिए दूर। ये देखिए हमारा ड्यूटी का प्लेस, इम्पीरियल मॉल, जहाँ पे हम काम करते हैं। अभी हम पार्किंग में जाके गाड़ी रख देंगे, आपसे बाद में मिलते हैं। अभी हम पार्किंग लौट रहे हैं, देखिए कितना अंधेरा है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। यहाँ पे हम पुलिस लोग अपना गाड़ी रखते हैं, पीछे देखिए जनरेटर भी है और बहुत कुछ लगे थे। मेरा एक भाई है, हम हमेशा काम करते हैं, वो बेचारा ब्लॉग में आने से डर रहा है, डर नहीं रहा है, मतलब कि उसका भी एक यूट्यूब का चैनल है, वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहता है। आपको तो एंग्री प्रास मालूम है ना, एंग्री प्रास की तरह अपना फेस रिवील नहीं करना चाहता है, उसका प्राइवेसी का मतलब कि जो भी है वो उसी का जानता है, हमको किसी का प्राइवेसी को में दखल नहीं देना है। और कुछ दिखाएंगे शाम में, लंच खत्म हो गया, अभी वापस जाने का टाइम है, ड्यूटी में अभी फिर से ज्वाइन करने का जा रहे हैं, लंच टाइम खत्म, आपसे टी टाइम में मिलते हैं। ड्यूटी भी ख़त्म हो गया, इसलिए अभी घर की ओर जाना है, और यहाँ पे और ब्लॉग करने अच्छा नहीं है, गाली मुझको गाली सुनने का मन नहीं है, एसएम से मैनेजर मुझको बाद में बुला के गाली देगा, इसलिए बाद में ब्लॉग करता हूँ। पैरों में वो काफ़ी दर्द कर रहा है आज, लेकिन घर में जाके आज बहुत ज़बरदस्त खाना है, आज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आपको दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हसल था आज, बाद में मिलते हैं आपसे। बायोमेट्रिक्स भी कर लिया, नीचे साइन करके इसके बाद ही घर जाना है, बहुत काम है, बहुत काम है। अभी ड्यूटी से घर जा रहे हैं, ठंडा तो इतना नहीं है, लेकिन चलते चलते घर जाते घर हवा निकल जाता है, पसीना छूट जाता है। हमारा साथ है हमारा प्रीतम भैया, हाय हाय,
हम सब एक साथ कॉलेज है, मोंटी कार्लो का फ्रेंड सर है और मेरे को पी एल का वहाँ पर मालूम ही है। चलते चलते अभी फिर से हवा टाइट होने वाला है, रात के अभी 10 बजने को है और अभी हम बिग बाजार के बाहर है, अभी भी घर जा रहे हैं। देखिए बिग बाजार यहाँ का देखने में कैसा लगता है, बिग बाजार पेट्रोलियंस ओ ऊपर में, हाँ यहाँ पे KFC है, मैंने कुछ ज़्यादा ही ऊपर दिखा दिया। संडे इसलिए रास्ते कुछ ज़्यादा ही खाली खाली दिख रहे हैं, दुकान भी ज़्यादातर बंद हो गई। इस तरह देखिए दुकान ज़्यादातर सारे के सारे बंद ही दिखाई दे रहे होंगे आपको, और लोग यहाँ पर अभी आज के दिन घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, संडे का दिन है इसलिए। मिलते हैं आपसे एट लास्ट, चलते चलते रूम पे आया, हैरान हो गया, पैर दर्द हो गए और रूम अभी ऐसा हालत में है, अभी आपको दिखाने के लायक नहीं, किसी और दिन दिखाऊंगा आपको रूम कैसा है मेरा। अभी मैं फिलहाल कपड़े वपड़े खोल के खाना खा खा के आता हूँ, ठीक है, काफ़ी दर्द भी लग रही है कि कल से नहीं लगा हुआ यार, ठीक है आपके बाद मिलते हैं। हम तो सुबह सुबह निकल गए, उस दिन निकल नहीं गए, अभी तो 6 बज रहा है, सुबह सुबह उठ गए, लेकिन यहाँ पे मैडम जी जहाँ पे हम रहे थे वहाँ पे उन्होंने गेट खोलते खोलते लेट कर दिया, काफ़ी लेट हो गया, लेट होने के कारण से अभी लेट से जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं हम कहाँ पर रहते हैं, ये है माँ शारदा हाउस, ये सारे के सारे PG का हाउस है, नीचे रहते हैं मालकिन, मैडम लैंडलॉर्ड। अभी हम जाएंगे कैपिटल की ओर, वहीं पे अभी हमको अपनी गाड़ियाँ मिलेंगी जहाँ से हम अपने घर जाएंगे। सुबह सुबह निकल गए, क्या बता रहा अभी लास्ट वीक से लेट है, लास्ट वीक में इस समय गाड़ी बैठ के गाड़ी ने गाड़ी छोड़ भी दिया था, लास्ट वीक में घर से 5:30 को निकला था, आज लेट हो गया यार। जी बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, हम फिर से सुबह सुबह घर आ गए, 1 घंटे में घर आ गए, चल चल वेरी फास्ट यू नो क्वाइट फास्ट, सी यू लेटर। बाकी घर में आया था थोड़ा उनसे बातचीत करने बिजनेस के बारे में, क्या बिजनेस आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं अपने दोस्त से मिलने फ्लेटल जा रहा हूँ, लगे रहे मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा रास्ता कैसा है, नया नया रास्ता भी बनना शुरू हो गया। वो फ्लेटल पे है, फोन कर रहा है ना? नहीं फोन नहीं कर रहे है, वो तो स्कूल में पढ़ाता है ना, PMS वही पे, हाँ वो मैनेज करेगा ना, हाँ ठीक है ठीक। टूटा फूटा रास्ता का रिपेयरिंग चल रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन नेक्स्ट ईयर आ रहा है ना, नेक्स्ट ईयर आपका ये MLA और ये जगह काफी ज्यादा टूटा फूटा हो गया था सर, हाँ से नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा हमारा वहाँ से वोट नहीं मिलेगा, हाँ वो तो बात सही, वोट तो नहीं मिलेगा जी, बोलिए तो काम नहीं हुआ ना, रास्ता देखिए ना सर 5 साल हो गया जी, बिल्कुल बहुत वादा कर लिया कुछ नहीं हुआ, अभी वादों से लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकते, और ये देखिए रास्ते का हालत डस्ट स्टॉर्म के साथ, और मुझे अभी मुफ्त का पाउडर गालों में लगाने का मौका मिल रहा है। माय गॉड सीधा सर, ओह गॉड, माय गुडनेस आई कांट सी एनीथिंग, ओह माय गॉड जल्दी हेडलाइट ऑन कर दिया, मुंह खोलने में डर है, ओह माय गुडनेस
का रास्ता जहाँ हम हैं बसते। ऐसे भी होते हैं अजीब रास्ते। के चपेट से बाहर निकले। पुराना वाला बकवास है जी। प्राइस के हिसाब से ना सर कलेक्शन उतना नहीं प्राइस ज्यादा मिल जाता है। वही कपड़े का बात से का भी है सारे ऊपर फास्ट को भी नहीं कह सकते सेकंड को भी वही प्राइस ज्यादा प्राइस कुछ ज्यादा ही है। खरीद लेंगे बार्गेनिंग और अच्छा वाला भी मिलेगा। अभी मैं वेरी लॉन्ग हेयर यहाँ से आया था। हमको समझ में आ रहा है हम कहाँ पे। हमको भी समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे। अच्छा अच्छा अंदर में टैंकी। यहाँ में सभी घर के बाहर टैंकी है इसलिए समझ में नहीं आता है। ओके 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 काफी सुंदर जगह पे आए। साथ में सर भी है हमारे पूरा राइडर वाले लुक लगाए हुए सर को। जी बिल्कुल। ये देखिए ये इन का इलाका काफी अच्छा है फॉरेस्ट इलाका है। यहाँ पे ठंड काफी ज्यादा पड़ता होगा। व्यू बहुत बढ़िया है। आपसे मिलते थोड़ी देर बाद। और अभी हमारा घूम के अभी वापस जाने का टाइम आ गया। सूर्य देवता भी सो रहे हैं सोने का टाइम आ गया। सिर्फ हम तो नहीं जा पाए और किसी और दिन जाएंगे जाके एक्सप्लोर करने। साइड में स्ट्रीट लाइट का पिलर भी ठोक दिया गया है। हम पहला पुल पे आ गए। वाह क्या बात। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है फिर से भाई से मिलने जाएंगे बातें करने जाएंगे और क्या किए जाएंगे आपसे बात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कल शाम के बाद मैं ब्लॉग नहीं कर पाया कुछ बिजी था बिजनेस मीटिंग्स में काफ़ी सारा मीटिंग्स था और इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाया सॉरी इसके लिए। आज फिर से फॉग पड़ गया। कल फॉग नहीं पड़ा था आज फिर से फॉग पड़ गया। आज फिर से मुझको ड्यूटी ज्वाइन करना है या नहीं आ रहा है। सुबह सुबह ब्रश करके अभी कॉफ़ी खाया। घर आने से एक ही दिन कॉफ़ी मिलता है खाना तो बनता ही है क्या करे यही जिंदगी है। नेक्स्ट वीक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इम्पोर्टेंट ब्लॉग मिलेगा
इम्पोर्टेंट मतलब इन्फॉर्मेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये हिंट ये है, इसमें कुछ नून अननोन नून नहीं अननोन वीडियो क्लिप्स रहेंगे जो आपकी जानकारी के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे मेरे हिसाब से। और अभी और फिर से भी कभी ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, ड्यूटी पर रहूँगा, तो इसी बीच आप लोग ब्लॉग को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हर समय इंफॉर्मेटिव तो नहीं रहता है लेकिन एंटरटेनमेंट ज़रूर रहता है। और इस ब्लॉग टूरिंग भी मैंने एड किया है, टूर कर रहे हैं बीच में, काफ़ी कुछ सैंड स्टॉम रेन स्टॉम वगैरह वगैरह, रास्ता तो बहुत ही ख़राब था यार, तो फिलहाल बनाना चल रहा है, रास्ता बनाना चल रहा है और आ जाएगा। और इसके साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, सी यू टाटा बाय बाय, सायनारा, जय हिंद।